मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर अब मुंबई पुलिस अलर्ट और सावधान नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने 3 मई के बाद शहर में किसी भी अनहोनी घटना को रोकने और किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। दरअसल राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया। वहीं अब राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पुलिस ने मुंबई में 3 मई के बाद हिंसा ना भड़के, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हिंसा को रोकने के लिए SRPF के 57 दलों को मुंबई में तैनात किया गया है। इसके अलावा मुंबई में 6 दंगा नियंत्रण दलों को भी तैनात किया गया। वहीं शहर में कई भी कुछ घटना घटने पर पुलिस सिर्फ 5 मिनट में पहुंचेगी, ऐसा दावा मुंबई पुलिस ने किया है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।